दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के वीडियो में देखिए आखिर गन्ने से प्लेट प्लेट कैसे बनता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये इंसान कितने आराम से प्लेट को बना रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक प्लास्टिक फाइबर और स्टील वगैरह से प्लेट बनते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने शुगर केन यानी गन्ने से प्लेट बनते हुए देखा है? जी हाँ, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। गन्ने के जूस को निकालने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसे बगास कहते हैं, और उसी बगास से भारत में प्लेटें बनाई जा रही है। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है और क्या ये वाकई में भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? अगर आप इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने दोस्त विशाल प्रजापति के इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले पॉलिस्टीरीन को 1839 में डिस्कवर किया गया था, जिसे देखकर हर कोई हैरान था क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जिसमें किसी भी प्रकार के लिक्विड या फिर सॉलिड मटेरियल को आसानी से कैरी किया जा सकता है। हालांकि इसके लगभग एक शताब्दी बाद इसका इस्तेमाल पैकेजिंग वगैरह में किया जाने लगा, क्योंकि तब फास्ट फूड चैन बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे। इस तरह प्लास्टिक मटेरियल में किसी भी चीज को आसानी से कैरी किया जा सकता था, लेकिन जब बात उसे रिसाइकिल करने की आती थी तो लोगों के दिमाग घूमने लग जाते थे, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से बहुत ही बड़ी संख्या में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अगर हम हमारे भारत में मौजूद प्लास्टिक वेस्ट की बात करें तो इसका वजन ताजमहल के वजन के बराबर होगा। अब आप समझ जाइए कि भारत में कितना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट मौजूद है जिसे ना ही रिसाइकिल किया जा सकता है ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। ये लगातार गंदगी फैलाता जा रहा है। इसी वजह से देश की सरकार कई बार प्लास्टिक को बैन करने की मुहिम भी जारी कर चुकी है, लेकिन जितनी बार प्लास्टिक बैन होता है उतनी बार लोग इसे दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और कोई भी समाधान नहीं निकलता। कुछ समय बाद सरकार भी अपने आंखें बंद करके बैठ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी संख्या में देश के अंदर पोल्यूशन फैल रहा है। और ये तो आप जानते हैं कि पोल्यूशन के साथ साथ जान का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि अगर अचानक से इस प्लास्टिक में आग लग गई तो आसपास मौजूद लोगों को नुकसान हो सकता है। साथ ही जब ये प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल पानी के अंदर जाता है तो उसकी वजह से पानी में मौजूद जानवरों को तो तकलीफ होती ही है। साथ ही साथ जब वो पानी रिफाइंड होकर लोगों के घरों तक जाता है तब भी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है, यानी कि हर तरह से हमारे द्वारा फैलाए जाने वाले प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से हमें नुकसान होता है। लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते और लगातार प्लास्टिक का इस्तेमाल करते जाते हैं, क्योंकि लोगों की जरूरत इतनी बड़ी है कि उसे प्लास्टिक के सिवा और किसी चीज से पूरा नहीं किया जा सकता। और यहीं पर एक शानदार आइडिया निकाला गया, जहां गन्ने का जूस निकलने के बाद जो उसका बचा हुआ हिस्सा होता है यानी कि बगास, उसकी मदद से प्लेटें बनाने का। अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है, जहां 25 मिलियन मैट्रिक टन चीनी केवल 2020 में तैयार की गई थी। अब आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी संख्या में जब चीनी बनाई गई है तो जाहिर सी बात है गन्ने का बचा हुआ बगास भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद होगा, जहां अकेले केएम शुगर मिल में ही 3500 टन बगास हर दिन निकलता है। और इतनी बड़ी संख्या में इसे हैंडल करना आसान नहीं होता, क्योंकि जब वर्कर्स काम करते हैं तो उनके नाक मुंह वगैरह में पूरा गर्दा चला जाता है। वैसे इसका जो अधिकतर मटेरियल है उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जला दिया जाता है, जो कि फॉसिल फ्यूल का काफी अच्छा विकल्प है। हालांकि इसके दूसरे इस्तेमाल भी होते हैं, जहां पिछले 40 सालों से वेद कृष्णा का परिवार बगास को पेपर में बदलते हुए आ रहा है। दोस्तों इनकी कंपनी का नाम यश पक्का है। वेद प्रकाश शुरुआत से ही अपनी कंपनी में नई नई चीजें ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और सालों के रिसर्च के बाद उन्होंने ये सोचा कि हम गन्ने के वेस्ट मटेरियल से पेपर तो तैयार कर ही रहे हैं, क्यों ना बगास की मदद से प्लेटें भी तैयार कर ली जाए, जो कि वाकई में बहुत ही बेहतरीन आइडिया था। और यहीं से उन्होंने 2017 में चुक नाम का ब्रांड लॉन्च किया, जहाँ बगास से बने प्लेट, कटोरी, कप और पैकेजिंग मटेरियल तैयार किए जाते हैं, और बाकी सामान पहली बात तो डिस्पोजेबल होते हैं और इन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है। ये आइडिया वाकई में बहुत ही ज्यादा शानदार है, जहां इन्होंने अपना नया ब्रांड अभी कुछ ही सालों पहले लॉन्च किया था और धीरे धीरे सारी उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। इनकी कंपनी में प्लेटें वगैरह बनाने के लिए हर रोज लगभग 100 के आसपास ट्रक बगास से लोड होकर आते हैं, ताकि उनकी मदद से प्लेटें वगैरह तैयार की जा सके। दोस्तों गन्ने से निकले बगास की मदद से कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे वेस्ट मटेरियल पहले इकट्ठा किया जाता है,
जिसके बाद उसे अच्छे तरीके से सुखाया जाता है और बिल्कुल भी गीला नहीं होने दिया जाता। फिर पाउडर तैयार करके उसमें पानी मिलाते हैं ताकि पल्प तैयार हो सके। दोस्तों अब मशीन के जरिए पल्प की मदद से अलग अलग आकार में किचन वगैरह के आइटम तैयार किए जाते हैं, जैसे कि प्लेट, कटोरी, गिलास या फिर खाना पैक करने के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गन्ने के निकले हुए उस खराब मटेरियल से तैयार किए जाते हैं, जिसे लोग कूड़ा कचरा समझकर फेंक देते हैं। उसी कूड़े कचरे को आज इतने बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां वेद कृष्णा के इस आइडिया से न केवल भारत के लोग खुश हैं, बल्कि पूरी दुनिया इनकी सोच और वेस्ट मटेरियल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की पहल को लेकर काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। और इन सारी चीजों में सबसे अच्छी बात यह है कि जब इस तरह की एग्रीकल्चर चीजों से प्लेट और कटोरी वगैरह तैयार की जा सकती है, तो फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि इससे ना तो प्रदूषण फैलेगा ना ही कोई और तकलीफ होगी। जबकि अगर हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो हर तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है। इसी वजह से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में आइडिया बहुत ही काम कर रहा है, जहां लोग अब इस चीज को लेकर सोच रहे हैं। इसीलिए वेद कृष्णा की कंपनी को कई बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर भी आए हैं। तो दोस्तों उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा कि भले ही प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन उसे रोकने के लिए लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। और फिर भी वो कुछ ऐसा तैयार करते देख कर दिल खुश हो जाता है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। ऐसी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।